26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। आज बिहार पुलिस एवं मैक्मा इंडिया के बीच एक MOU हस्ताक्षरित किया जा रहा है। मैक्मा इंडिया के बारे में आपको मैं परिचय दे दूं कि एक करीब 27 वर्ष पुरानी स्वदेशी कंपनी है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल मैपिंग डेटाबेस विकसित किया है एवं लगभग सभी फोर व्हीलर OEMs के साथ इनका टाई अप है। हम ये भी अलर्ट देते हैं शार्प कर्व्स, क्योंकि हिंदुस्तान में जो रोड्स बनती हैं वो इसमें काफी हद तक कर्व्स आते हैं, 30 डिग्री कर्व, 20 डिग्री कर्व, तो इसमें एक्सीडेंट्स होने के खतरे रहते हैं। हम अपने आप में वो भी अलर्ट्स देते हैं। अगर आप यहाँ से शहर के बाहर जा रहे हैं और टोल लग रहा है तो हमको टोल टैक्स भी बताते हैं कि आपका ट्रिप कॉस्ट कितना पड़ेगा। से यहाँ से आपको 200 किलोमीटर मुजफ्फरपुर जाना है आपको, तो हम ये बताएंगे यहाँ से लेकर मुजफ्फरपुर तक 2 टोल पड़ेगा और टोटल आपका ट्रिप कॉस्ट कितना पड़ेगा। बिहार में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नीतीश सरकार ने बिहार वासियों के लिए बनाई नई योजना। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी झा। आज के डिजिटल के जमाने में किसके पास फोन नहीं है, और जिस जिसके पास फोन है उनके फोन में लोग ऐप का भी इस्तेमाल जरूर करते हैं, और सबसे ज्यादा किसी ऐप का इस्तेमाल होता है तो वो है गूगल मैप। आप इसी मैप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते हैं ताकि आपको पहुंचने में ज्यादा समय ना लगे, और इसी को लेकर अब यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार ने भी कुछ ऐसी ही नई पहल की है, जहां अब सरकार एक कंपनी के साथ मिलकर एक नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाली है, और इस ऐप के जरिए जो बिहार के लोग हैं उन्हें किसी भी तरीके का यातायात की समस्या हो तो आप इस ऐप के जरिए अब अपनी समस्या रख सकती हैं, और उस समस्या का समाधान भी इसी ऐप के जरिए आपको मिल पाएगा, चाहे वो सड़क से जुड़ी कोई भी समस्या हो या फिर आपको कहीं पहुंचने के लिए। आपको बता दें कि 3 राज्यों में परचम लहराने के बाद बिहार ऐसा चौथा राज्य होगा जहां पर इस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं यातायात ADG सुधांशु कुमार, पहले आप सुनिए उनकी बात। इसमें स्वागत है। आज हम आपके सामने मैप या ऐप आधारित सिटीजन सेंट्रिक सेवा, जिसके माध्यम से ट्रैफिक एडवाइजरी और जो सिटीजन है उनकी फीडबैक को लेकर के उनको सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। आज बिहार पुलिस एवं मैक्मा इंडिया के बीच एक MOU हस्ताक्षरित किया जा रहा है। मैक्मा इंडिया के बारे में आपको मैं परिचय दे दूँ कि एक करीब 27 वर्ष पुरानी स्वदेशी कंपनी है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल मैपिंग डेटाबेस विकसित किया है एवं लगभग सभी फोर व्हीलर OEMs के साथ इनका टाई अप है। ये वेब और मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं आदि की जानकारी नियर रियल टाइम बेसिस पर उपलब्ध कराएगी, लोगों को उपलब्ध कराएगी। ये प्लेटफॉर्म बिहार राज्य के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा। जो फोर व्हीलर जो चलाते हैं उनके तो गाड़ी में ही वो मैप उपलब्ध होगा, जो टू व्हीलर पे हैं या अदरवाइज कोई और साधन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए मैपल्स ऐप की सुविधा है, जो अपने मोबाइल पर वो डाउनलोड करके और इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। सामान्य तौर पे जो आम जनता थी उसको यातायात संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराने का कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास ऐसा नहीं था बिहार राज्य स्तर पे, जिससे कि यातायात का स्मूथ प्रवाह है या सड़क सुरक्षा को अनुकूल बनाने में हमें मदद मिलती। तो इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो पहला लेयर है वो तो उनका बेस मैप है, जो दूसरा लेयर है उस पर हम ट्रैफिक पुलिस की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशंस अपलोड करवाएंगे, जैसे सड़क नेटवर्क की वर्तमान स्थिति, आपको मालूम होगा जल जमाव हो सकता है या सड़क की स्थिति कुछ खतरनाक हो सकती है, ग्रिडलॉक हो सकता है, ट्रैफिक लाइट की विफलता हो सकती है, आकस्मिक स्थिति जैसे जुलूस, विरोध प्रदर्शन, रैलियां, VIP मूवमेंट, सड़क बंद होना, डाइवर्जन वगैरह की सूचना, ये सब हम किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दे पाते थे। सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी है, जैसे
ब्लैक स्पॉट की जानकारी, गति सीमा संकेतक कहाँ क्या है, खतरनाक मोड़ हुआ, दुर्घटना संभावित क्षेत्र होते हैं कुछ ऐसे, इनकी जानकारी हम इनके माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा सामान्य जानकारी जैसे हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, टूरिस्ट प्लेस, धार्मिक स्थल, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब जो स्पेशल जोन होते हैं ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब सीसीटीवी कैमरा का पोजीशन, ये सब हमको इस ऐप के माध्यम से बता सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता सकते हैं। पुलिस प्रशासन ये सारी सूचनाएं इनको सेकेंड लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में उपलब्ध कराएगा जो ये अपने ऐप पर डालेंगे या मैप पर डालेंगे। और जो तीसरी लेयर ऑफ सूचना है वो हमें सिटीजन फीडबैक से प्राप्त होगी। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपने कोई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना का मामला देखा, आपके पास ऐप है तो वो उसके माध्यम से आप फोटो क्लिक करके और जब आप भेजेंगे तो उसमें लेट लॉन्ग वगैरह सब पिकअप हो जाता है और वो सूचना ऐप के माध्यम से हमारे ट्रैफिक प्रशासन को मिल जाती है और उसके बाद उसको वेरीफाई करके हम लोग वहाँ पर डाल सकते हैं, साथ साथ त्वरित वहाँ पर कार्रवाई पुलिस के स्तर से जो होनी है वो हो सकती है। अब ये जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी, तो यातायात से संबंधित जो सूचनाएं आपको बताई हमने, दो तीन तरह की सूचनाएं, उनको हम लोग जिलावार एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे और उसके माध्यम से मैप माई इंडिया का जो ट्रैफिक इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप है उसको पोस्ट करेंगे और फिर इनके द्वारा रियल टाइम बेसिस पर उसको मैप पर अपलोड किया जाएगा। जो अन्य सूचनाएँ हैं इनसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो हम आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दे देंगे, जिसके बारे में बहुत विस्तार से बताने की जरूरत है। कोई इस पे गिरे नहीं और उनको चोट ना लगे, तो मैपल्स कैमरा इसी में कैमरा है, आपने उसको ऑन किया, उसकी फोटो खींची और वो भेज दी हमको, हम उसको अपडेट कर देंगे। उससे फायदा क्या होगा कि जो पीछे टू व्हीलर और फोर व्हीलर आ रहे हैं आपके पीछे, उनको अलर्ट मिल जाएगा, उनको पता चल जाएगा और हम ये कहेंगे कि आप उनको बता देंगे कि आगे गड्ढा है। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है जिससे कि, तो मैपल्स कैमरा क्या करता है, जियो टैग कैमरा है, मतलब इसमें डेट, टाइम, लोकेशन और उस एरिया के बारे में उसकी पिक्चर भी आ जाती है और यही इंफॉर्मेशन बिहार ट्रैफिक पुलिस हमें देगी, हम उस इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचा देंगे। फॉर एग्जांपल एक धरना लगा हुआ है मुंगेर में और मैं यहां से जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आगे धरना लगा हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन बट बिहार ट्रैफिक पुलिस के पास रहती है, तो बिहार ट्रैफिक पुलिस ये इंफॉर्मेशन हमें देगी ये रियल टाइम बेसिस पे। और वो कैसे देगी हमको, ये मैपल्स कैमरा यूज करके देगी। उनको कुछ टाइप नहीं करना, कुछ लिखना नहीं है, उनको सिर्फ एप्लीकेशन ऑन करना है, कैमरा से फोटो खींचनी है, हम देख के फोटो समझ जाएंगे कि अच्छा ये धरना लगा हुआ है यहाँ पे, क्या लोकेशन है, कहाँ पर है, और हम वो अपडेट कर देंगे रियल टाइम बेसिस पे अपने मैप के ऊपर, ताकि पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि आगे धरना है और उसको हम रीराउट कर देंगे दूसरे रास्ते से, ताकि वो जहाँ पहुंचना चाह रहे थे वो अपने स्थान पे पहुंच सके। और फीचर है इसमें मैप में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं मैपल्स पिन। हम किसी भी एड्रेस को 6 अंक का कोड बना देते हैं विच इज वेरी वेरी आसान। तो हिंदुस्तान का जो एड्रेसिंग सिस्टम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पिलर नंबर इसके साइड में, इस दुकान के साइड से गली से जाना है, तो हमने क्या किया पूरे एड्रेस को 6 अंक का कोड बना दिया, ताकि आपको पूरा एड्रेस टाइप ही नहीं करना, आपको सिर्फ वो 6 अंक का कोड डालने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑफिस का कोड है MMI 000, बस आपको ये टाइप करना है और आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन करते हुए हमारे ऑफिस तक पहुंच सकते हैं। नेविगेशन विद सेफ्टी अलर्ट, जैसे सर ने कहा, हम ये भी अलर्ट देते हैं कि शार्प कर्व्स, क्योंकि हिंदुस्तान में जो रोड्स बनती हैं वो इसमें काफी हद तक कर्व्स आते हैं, 30 डिग्री कर्व, 20 डिग्री कर्व, तो इसमें एक्सीडेंट्स होने के खतरे रहते हैं, हम अपने ऐप में वो भी अलर्ट्स देते हैं। अगर आप यहाँ से शहर के बाहर जा रहे हैं और टोल लग रहा है तो हमको टोल टैक्स भी बताते हैं कि आपका ट्रिप कॉस्ट कितना पड़ेगा, से यहाँ से आपको 200 किलोमीटर मुजफ्फरपुर जाना है आपको, तो हम ये बताएंगे यहाँ से लेके मुजफ्फरपुर तक 2 टोल पड़ेगा और टोटल आपका ट्रिप कॉस्ट कितना पड़ेगा, ताकि आप अपना ट्रिप उस हिसाब से प्लान कर सकें। हम ये विजुअल अलर्ट भी देते हैं, जैसे इसमें हम दिखा रहे हैं कि स्पीड कैमरा अलर्ट दिखा रहे हैं, इसमें हम दिखा रहे हैं कर्व्स कि आगे जो है रोड पे कर्व है, ताकि लोग अपना व्हीकल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर स्लो डाउन कर सके, प्लस स्पीड ब्रेकर अलर्ट। ये है स्पीड लिमिट ऑफ द रोड, अगर स्पीड लिमिट आप से रोड की स्पीड लिमिट से आप ज्यादा जा रहे हैं तो ये आपको तब भी अलर्ट देगा,
काफी बार लोग कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, अब मैं आज आया हूँ पटना और अगर मैं यहाँ से मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ और अगर मैपल्स यूज कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैपल्स में ऑलरेडी स्पीड अलर्ट आता है, मतलब मेरा व्हीकल का स्पीड, मेरा रोड का स्पीड क्या है, और अगर मैं ओवर स्पीड कर रहा हूँ ना तो वो बीप देगा, अलर्ट देगा मुझे कि मैं ओवर स्पीड कर रहा हूँ। ये सारी इंफॉर्मेशन है जैसे सर बता रहे थे जो कि बिहार ट्रैफिक पुलिस हमें देगा और हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे रियल टाइम बेसिस पे, कौन कौन सा जैम, एक्सीडेंट्स, वाटर लॉगिंग, अनसेफ एरिया, बैड वेदर, फॉलन ट्री, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, स्पीड ब्रेकर अलर्ट, पॉटहोल्स, इस सब के वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन बिहार पुलिस रियल टाइम बेसिस पे हमें देगी, हमारा हम वी वुड इंश्योर। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार का, किस तरीके से बिहार सरकार लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कई नई योजनाएं ला रही है। तो इसी कड़ी में एक और नई सौगात बिहार के लोगों को मिलने जा रही है, जहां अब आपको यातायात से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस ऐप के जरिए आप अपनी समस्या रख पाएंगे और आपको इसी ऐप से आपकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।